नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के नारायण, मैं चीफ आई सर्जन हूँ नारायण इंस्टीट्यूट मॉडल टाउन दिल्ली का। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सबके लिए ग्लोकोमा वीक में, कि काला ग्लोकोमा, जिसको हिंदी में हम काला मोतिया कहते हैं, ये एक रीजनेबली सीरियस बीमारी है। और सीरियस बीमारी के होने की वजह से इसका सही टाइम पे पता चलना और सही टाइम पे पता उसका ट्रीटमेंट शुरू होना, ये बहुत जरूरी है। ग्लॉकोमा यानी कि काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो कि ज्यादातर उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ पाई जाती है, बट सब में नहीं पाई जाती है। कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जिसकी फैमिली में काला मोतिया हो, किसी का नजदीक का नंबर बार बार बदल रहा हो, उम्र 40 से 50 साल के बीच में हो, जिससे कि ये सब लोग वो हैं जो हाई रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। इनका, जिनकी फैमिली में ग्लॉकोमा हो या उनका नंबर जल्दी जल्दी बदल रहा हो 40-50 साल, उनको रेगुलर पीरियोडिक चेकअप करना चाहिए। अब पीरियोडिक चेकअप कराना जरूरी क्यों है? पीरियोडिक चेकअप, पीरियोडिक मीन्स थोड़े थोड़े टाइम पे, 6 महीने 1 साल में चेकअप कराना जरूरी क्यों है? बहुत सारे लोगों को काला मोतिया जब होता है तो उसका पता ही नहीं लगता, उसके ज्यादातर सिम्टम्स नहीं होते, और जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो उनकी किसी की 40%, किसी की 50% नजर जा चुकी होती है, एडवांस चेंजेस हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, यानी कि एडवांस चेंजेस ना हो, क्योंकि ये चेंजेस जब हो जाते हैं, ये जब नुकसान जब हो जाता है, दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता है, दोबारा रिकवर नहीं हो सकता है। तो एक सही टाइम पे ट्रीटमेंट चला लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है, इसकी दवाइयाँ होती हैं, जिनका दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता उनके लिए ऑपरेशन होता है। ये पुरानी दिमाग से बातें निकाल देनी चाहिए, काला मोतिया जिसको हो जाए उसका कोई इलाज नहीं होता है, काला मोतिया का इलाज होता है। थैंक यू सो मच।